हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एग्जाम सॉल्यूशन में। मैं हूं अभिषेक। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अनअकैडमी के बारे में। जी हां दोस्तों, इंडियाज नंबर वन लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसा कि बोला जाता है और है भी। रीज़न उसका यह है क्योंकि ये सारे एडुकेटर्स उस पर ऑलमोस्ट पढ़ाते हैं, जितने भी बड़े बड़े एडुकेटर्स हैं, उसके बाद वाईफाई एकेडमी वाले या फिर वाईफाई स्टडी वाले, ये सारे लोग जो हैं वहाँ पे पढ़ाते हैं, तो हो ही गया इंडिया का नंबर वन लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ पे जो बताने वाला हूँ, काफ़ी सारे क्वेश्चन मेरे पास आते रहते थे ऐसे, मैसेंजर पे भी, फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे पूछा जाता था कि सर आप अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं, और एक क्वेश्चन और भी आता था कि आपने अगर पढ़ाया है तो क्यों छोड़ा वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ों पे हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप भी जानने में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको जानने में इंटरेस्ट नहीं है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। इसमें आपको इन्फॉर्मेशन वैसे बहुत ज़्यादा मिलने वाली है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, अनअकैडमी एक इंडिया नंबर वन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, एडुकेटर्स को अप्रोच किया जाता है, एडुकेटर को अप्रोच ऐसे किया जाता है, या तो जैसे मेरे जैसे जो चैनल्स वाले हैं, जो चैनल्स चलाते हैं, अपना इंडिविजुअल चैनल चलाते हैं, उनको मेल आता है या फिर ऑफर आता है कि आप मेरे चैनल पे, सॉरी अनअकैडमी पे आप पढ़ा सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, ठीक है। तो इसी तरह से कुछ मेरे साथ भी हुआ था। तो आप जो है उसमें वहाँ पे सारे प्रोसीजर जो फॉर्मेलिटीज़ होती है उसको पूरा करना होता है। तो बहुत सारे को खुद से भी मैसेजेस आते हैं, मेल्स आते हैं, जैसे जिनके पास कुछ चैनल्स या फिर फॉलोवर्स होते हैं उनके पास आते हैं। अगर जिनके पास कुछ भी नहीं है वो फिर भी वो अगर पढ़ाना चाहते हैं तो उनको खुद से अनअकैडमी को अप्रोच करना होता है कि सर मैं आपके प्लेटफॉर्म पे पढ़ाना चाहता हूँ, मैं इस चीज़ में बेस्ट हूँ या इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मेरी अच्छी नॉलेज है। तो ये इस तरह से आप करेंगे तो भी आपके लिए भी प्रोसीजर सेम ही रहेगा, और जो इंडिविजुअल हैं जो कि आप चैनल्स वगैरह चला रहे हैं, कोचिंग्स चला रहे हैं, तो उनके लिए भी सेम प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे बात आती है कि मैंने क्यों छोड़ा। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि मैं कुछ दिन वहाँ पे काम किया था, उसके प्लेटफॉर्म पे काम किया था, वीडियोस डाले थे, लेकिन उसके बाद मुझे कुछ सही नहीं लगा इसलिए मैंने स्किप कर दिया। नहीं सही लगने का भी रीज़न मैं अभी आगे आपको वीडियोस में बताऊँगा। तो दोस्तों क्यों छोड़ा का रीज़न ये है कि पहले वहाँ पे लाइव क्लासेस का फैसिलिटी कुछ लोगों को ही मिलता था। बात करें अगर कि लाइव क्लासेस में कौन क्लासेस लेंगे, तो वो अच्छे एडुकेटर्स जो होते थे, जो कि प्रॉपर एकदम एडुकेटर होते थे, प्रोफेशनली होते थे, उस सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छी पकड़ होती थी, उनको मिलता था लाइव क्लासेस का ऑफर, और उनको पे आउट भी ज़्यादा मिलता था। तो वो लाइव क्लासेस था, बाकी लोग जो होते थे वो नॉर्मल क्लासेस लेते थे। नॉर्मल क्लासेस इन द सेंस कि आप प्री वीडियो रिकॉर्डेड, जैसे मैं अभी आपके पास ये वीडियो रिकॉर्ड करके आपको पब्लिश करूँगा तो आप लोग देख पाएंगे, उस तरह के वीडियोज़ बना के अनअकैडमी पर डालने होते थे, लेसन्स जिसको आप बोल सकते हैं अनअकैडमी टर्म में। लेसन्स क्रिएट करना होता था, कोर्सेज और लेसन्स में दोनों में डिफरेंस होते हैं, तो वो आप वहां पे डालते थे, उस पे जो लोग देखते थे वहां से आपके जो चैनल्स वाले भी फॉलोअर्स देखते थे, और वहां से भी अनअकैडमी भी उसको थोड़ा बहुत बूस्ट करता था। तो ये प्रोसेस थी, तो उसमें मैं भी काफ़ी रिलैक्स था कि हाँ ये अच्छी चीज़ है। वैसे मैं यूट्यूब पर भी बताता ही हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स और चीज़ें बताता ही हूँ, तो मैं वहाँ पर अनअकैडमी पर भी बताऊँगा, तो वो चीज़ें थी। लेकिन फिर वहाँ पर एक अलग से आ गया क्या कि लाइव क्लासेस के लिए सिलेक्शन हो गया मेरा, ठीक है। लाइव सिलेक्शन क्लासेस के सिलेक्शन होने के बाद मैं उस लाइव क्लासेस को हैंडल नहीं कर पा रहा था। हैंडल का मतलब ये है कि वहाँ पे आपको इंटरनेट कनेक्शन अच्छी होनी चाहिए, आपके पास एक जो मिनिमम एसेसरीज होती हैं ऑनलाइन टीचिंग की वो होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा कि लाइव क्लासेस के लिए काफ़ी अच्छी इंटरनेट कनेक्शन के साथ साथ आपके पास सेटअप बैकग्राउंड भी अच्छा होना चाहिए ताकि आप उन चीज़ों को पढ़ा सकें। और उसमें कई बार आपको लाइव क्लासेस बोर्ड पे भी लेनी पड़ सकती है, लैपटॉप पे भी लेनी पड़ सकती है, तो ये सारी चीज़ें होती है। और एक पंक्चुअल टाइमिंग के साथ आपको लाइव क्लासेस लेना होता है। अगर आपने बोल दिया कि शार्प 9 PM पे लोगे तो 9 PM पे लोगे, ऐसा नहीं कि आप 9 PM पे बोल के आज नहीं लूँगा या फिर कोई इन्फॉर्मेशन कोई नोटिस नहीं, ऐसा नहीं होता। प्रोफेशनलिज्म के साथ वहां पे काम करना होता था, ठीक है। मैं और भी काम करता हूं और मेरे चैनल्स भी ऑपरेट करता हूं, तो मुझे वो चीजें चल नहीं रही थी मेरे से, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही मना कर दिया था, ठीक है। उसके बाद मैं आप थोड़ा सा आपको बीच में ये बता देता हूँ कि आखिर सिलेक्शन कैसे होता है। तो सिलेक्शन एक ब्रीफली अगर शॉर्ट में बताना चाहूँ तो आपको या तो अप्रोच किया जाएगा, या फिर आप अगर अप्रोच करते हो तो आपको एक लेसन्स बनाना होता है, लेसन नहीं आप बोले तो डेमो, 3 मिनट का डेमो बनाना होता है। पूरे 3 मिनट आपको यूटिलाइज करके उस डेमो को बनाना होता है, अपने हिसाब से अच्छा डेमो बनाना होता है, उसके बाद आपको भेजा जाता है डेमो। डेमो के बाद आपको भेजने के बाद वहां से फिर रिप्लाई आता है, डेमो का ओवरव्यू करने के बाद आपको डेमो का रिप्लाई आता है कि हाँ आपका डेमो सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद आपको KYC करनी होती है, KYC करने के बाद आपको ओरिएंटेशन लेसन बनाना होता है। ओरिएंटेशन लेसन मिनिमम 5 लेसन्स होते हैं उसमें,
पांचों लेसन्स आपके रिव्यू में जाते हैं, पांचों आपके अच्छे होने चाहिए और 12 से 15 मिनट के होने चाहिए। मिनिमम 12 मिनट के तो होने ही चाहिए और मैक्सिमम 15 मिनट भी आप रख सकते हैं। वैसे वैसे करके आपको 5 लेसन्स आपको बनाने होते हैं, उसके बाद वो 5 लेसन्स रिव्यू होता है वहाँ पे। रिव्यू होने के बाद आपको फिर गूगल फॉर्म दिया जाता है। अभी का प्रोसेस जो बता रहा हूँ, गूगल फॉर्म के दिया जाता है, उसको आप अगर भरते हैं तो फिर एक आप एडुकेटर बन जाते हैं, लाइव एडुकेटर। लेकिन क्योंकि अभी वो जो प्री रिकॉर्डेड वीडियोज का फॉर्मेट था वो अनअकैडमी ने बंद कर दिया है, तो लाइव एजुकेशन अगर आप देना चाहते हैं, लाइव क्लासेस देना चाहते हैं, तो आपके लिए बेटर ऑप्शन है। तो मैंने उसको वहां पे स्किप कर दिया था, लेकिन अभी मुझे जैसे ही अपॉर्चुनिटी फिर से मिलेगी तो मैं उसको ज्वाइन जरूर करूंगा, ठीक है। तो यहां पे ये सारी चीजें अनअकैडमी का प्रोसेस है। उसके बाद लाइव क्लासेस में एक चीजों को ध्यान दीजिएगा कि इंटरनेट कनेक्शन जो है वो काफी मायने रखता है लाइव क्लासेस के लिए, किसी भी लाइव क्लासेस के लिए। इवन अगर मैं भी लाइव क्लासेस लेता हूं अपने यहां से भी, तो भी मुझे इंटरनेट कनेक्शन की अच्छी खासी स्पीड चाहिए होगी, क्योंकि अगर इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड नहीं होगी तो लाइव लेसन में या लाइव क्लासेस में लैगिंग आएगी, जो कि स्टूडेंट को खराब लगेगा और उनका टाइम वेस्ट होगा। तो ये चीज़ें अगर मैं बताऊं कि मैं ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैंने कई सारे वीडियोज अपने चैनल पे भी बनाया था अनअकैडमी के टी शर्ट पहन के। आपने पहले वीडियोस काफ़ी सारे मेरे देखे होंगे। हाँ, उस टाइम मैं वीडियोस अनअकैडमी के लिए भी बनाता था, इसलिए मैं उस टी शर्ट को और भी यूज़ करता था और लोगों को बताता था कि आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अब मैं वहाँ पे नहीं हूँ, इसीलिए मैं अब वीडियोस उस टी शर्ट को पहन के भी नहीं बनाता हूँ, और इवन मैं कभी प्रमोट भी नहीं करता हूँ कि अनअकैडमी पे आप पढ़िए या नहीं पढ़िए। हालांकि अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपको पढ़ना चाहिए, बस प्रमोशन एक अलग चीज़ है, क्योंकि मैं उस तरह की वीडियोज़ नहीं बना रहा था जिसमें कि अनअकैडमी का नाम लूँ, तो नहीं ले रहा था। लेकिन अगर आप चाहते हैं पढ़ाना, बिल्कुल आप में अगर वो एबिलिटी है आपका, एक कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट या किसी भी फील्ड में आप स्ट्रांग है और आपको एजुकेशन चाहिए, तो आप बिल्कुल वहाँ पर अप्रोच कर सकते हैं और पढ़ा सकते हैं। नो डाउट आपको वहाँ पर अच्छा पे आउट भी मिलेगा, स्टार्टिंग में आपको अच्छा खासा पे आउट भी मिल जाता है वहां पे। जैसे आप अच्छा खासा काम करते रहेंगे वहां पे, एक अच्छा एडुकेटर बने हुए रहेंगे, तो उस हिसाब से आपकी अर्निंग भी होती रहेगी। ऐसा नहीं कि आपको कुछ प्रॉब्लम होने को देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें थी जिससे कि आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा। उसके बाद दोस्तों मेरे पास पेन टैबलेट, जो ड्राइंग टैबलेट होता है, वो भी वो लोग उस टाइम भेजने वाले थे, लेकिन मैंने जैसे ही मना कर दिया था तो फिर वो रोक दिया उन्होंने। और मैंने ही मना किया था कि आप सर मत भेजिए, क्योंकि मैं अभी कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। तो जैसे ही अभी मुझे फिर से मौका मिलता है, मैं वहाँ पर जरूर कंटिन्यू करूंगा। मैं कंट्रीब्यूट करना भी चाहता हूँ एजुकेशन फील्ड में, बशर्ते मेरे पास अभी कुछ खास यहाँ पे चीज़ें नहीं है बताने को, इसलिए मैं अभी यहाँ पे क्लासेस वगैरह नहीं लेता हूँ। क्योंकि क्लासेस लेने के मतलब एक प्रॉपर सेटअप की जरूरत होती है, ऐसे ही आप कहीं से भी क्लासेस नहीं ले सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, मैं यही बताने के लिए ये वीडियो बनाया था, क्योंकि 4-5 लोग जो है लगातार ये क्वेश्चन पूछ रहे थे मेरे से, मैसेंजर पे भी, फेसबुक पे भी और इंस्टाग्राम पे भी। तो मैंने सोचा कि ये एक वीडियो बना के वीडियो फॉर्मेट में ही आप लोगों को बता देता हूं। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये नॉलेजफुल वीडियो देख के अच्छा लगा होगा। क्या राय रखते हैं आप मेरे बारे में, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाता रहता हूं। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।